गंगा धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण करते जा रही है और इसके छेद में कई गांव आ रहे हैं। ऐसे में ही एक गांव है मसारू जो पूरी तरीके से कटाव की जद में आ गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को अब खेती करने तक कोई जमीन नहीं बच पाई। यहां लगभग लोग किसान हैं, इसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन सबौर प्रखंड का इंग्लिश मसारू और ममलखा तीनों जगह की बात करें तो तीनों जगह का खेतीहर जमीन लगभग खत्म हो गया, पूरा खेत कटाव की जद में आ गया। स्थिति अब ऐसी हो गई कि लोगों को मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जब लोकल 18 की टीम गांव पहुंची तो इस गांव की स्थिति काफी भयावह थी। स्थिति अब ऐसी हो गई है कि लोगों को खाने तक के लिए अनाज पर आफत आ गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहां 50 वर्षों के बाद गंगा वापस लौटी और सब कुछ तबाह कर दी। 50 वर्ष पहले एक बार थोड़ा सा कटाव हुआ था लेकिन गंगा की धारा दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन इस बार पुनः कटाव शुरू हुआ और 500 एकड़ से अधिक खेतीहर जमीन माँ गंगा ने आगोश में समा लिया। लगभग 20 करोड़ से अधिक की जमीन गंगा में विलीन हो गई। उन्होंने बताया कि अब यहां पर खेती करने के लिए जमीन नहीं बची है, लोगों को अब बाहर जाकर मजदूरी ही करना पड़ेगा। कभी यहां के लोग रईसों की जिंदगी जीते थे। क्या स्थिति है इस गांव की? अभी देखिए हम मसाड़ों में हैं और हम ग्रामीण हैं, मेरा घर भी चला गया, विलीन हो गया और एक घंटा भी जो नहीं हुआ है। देखिए गंगा माँ का रौद्र रूप एकदम विकराल रूप हो गया है और लगातार कटाव जो है जारी है एकदम। अच्छा, लगभग यहाँ पर कितना खेतिहर जमीन हुआ करता था? खेतिहर जमीन तो इधर से उत्तर के अगर नजर दिया जाए तो सब खेतिहर ही जमीन था, इंग्लिश मसाड़ू ममलखा का। लगभग कितना एकड़ होगा? लगभग 500 से भी अधिक होगा जमीन। 500 एकड़? हाँ, हम लोग का तीन फसल लगभग हो जाता था और हम लोग उसी खेती पर निर्भर थे। अब क्या स्थिति है उस खेत की? अब तो सारा का सारा पानी बहाव हो रहा है, देखिए रहे हैं इधर, मतलब कटाव हो चुका है। कटाव हो चुका है। अच्छा, लगभग कितनी कीमत होगी इस जमीन की? अगर 2 लाख के हिसाब से अगर लगाया जाए बीघा के हिसाब से तो उसका 500 का आंकड़ा निकाल लीजिएगा, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अच्छा, आप लोगों की आजीविका क्या थी? आजीविका मजदूरी करके खेतिहर पे पहले तो निर्भर थे, अब तो सब खेती मतलब चला गया तो अब मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करना है। अब यहाँ से प्लान करके कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे, सरकार तो दिया है मिडिल स्कूल ममलखा में कैंप बनाया है, वहाँ जाके रहेंगे। लेकिन कितना दिन रहा? लेकिन के भरोसे कितना दिन? कितना दिन रहेंगे, जितना दिन मतलब तब तक दूसरा व्यवस्था करेंगे किसी तरह। यहाँ पर कितना खेतिहर जमीन हुआ करता था? 500 मतलब एकड़ से ज्यादा जमीन खेतिहर हुआ करता था। अब क्या स्थिति रह गई है? अब तो पानी ही पानी हो चुका है और सारा जमीन जो ना पानी में विलीन हो चुका है। मतलब कट के विलीन हो गया है, सिर्फ पानी आ गया है? नहीं, कट के विलीन हुआ, जो देख रहे हैं आप इधर समुन्द्र जैसा है ना, ये सारा जो है ना उपजाऊ भूमि था, जो अभी जो है ना वो सारा खत्म हो गया। इसमें कहिए ममलखा कहिए, मसाड़ू कहिए, शंकरपुर कहिए और इंग्लिश कहिए, ये सारा आदमी अभी जो है ना लाचार हो चुका है। एक समय ऐसा था जहाँ पे लोग जो है ना राजा की तरह रहते थे सिर्फ खेती से, अभी उसका आश्रय ही सारा खत्म हो चुका है, जो लोगों को जो है ना बाहर जाके खटना पड़ रहा है। मतलब जो राजा की तरह रहता था उसकी स्थिति दयनीय हो गई? दयनीय की बोरा दयनीय हो गया, मतलब कि पूरा नीचे स्थिति चला गया है। मनुष्य अगर खाए कैसे, अपने बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा, वो अब सोचना पड़ रहा है। एक समय था कि बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है ना पटना तक भेज सकता था और भेजा भी था। क्या मतलब कौन कौन सी फसल लेते थे आप लोग इससे? जैसे मकई हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, दलहन हो गया, सभी तरह के फसल जो है ना उपजाऊ हम सबको मिल जाता था। तेलहन हो गया, यानी सब चीज, यहाँ तक कि आप मतलब कि सब्जी भी मतलब कि अच्छा सुखा सकते थे, तो सारा चीज हम सबको व्यवस्थित रूप से हो जाता था, कोई चीज हम सबको बाहर से खरीदना नहीं पड़ता।